हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे जो आपका रेडमी का फ़ोन है इसके अंदर डबल टैप टू बे स्क्रीन ऑन एंड ऑफ यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे दोस्तों डबल टैप करते हैं स्क्रीन पे तो आपका स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, और डबल टैप करेंगे तो ऑन हो जाएगा। ये जो सेटिंग रहता है, सिंपली जो जेस्चर सेटिंग है, इसको किस तरीके से ऑन या फिर इनेबल करना है या फिर इसको ऑफ किस तरीके से कर सकते हैं, तो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। तो जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, मेरे यहां पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो यहां से मैं सेटिंग्स को क्लिक करता हूं। तो जैसे दोस्तों यहां पे मैंने सेटिंग को क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस मेरे यहां पे शो कर रहा है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं रेडमी का फ़ोन है, तो रेडमी के फ़ोन के अंदर यहां पे सेटिंग जो है इस तरह का देखने को मिलता है। तो यहां से थोड़ा इसको डाउन करना है आपको, और यहां से जैसे आप इसको डाउन करेंगे तो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं वॉलपेपर, थीम, पासवर्ड, कई सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, तो यहाँ से आने के बाद जो कि लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। और जैसे दोस्तों आप यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो मेरा यहाँ पे ऑप्शन है जेस्चर का, राइज टू वेक का, और यहाँ पे डबल टैप टू वेक स्क्रीन ऑन एंड ऑफ का। तो सिंपली इसके देख सकते हैं, तो यहाँ जो ऑप्शन है वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, इसको आपको ऑफ कर देना है। और ऑफ़ करने के बाद इसकी आपको डबल टैप टू वेक स्क्रीन ऑन एंड ऑफ का जो यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे मिल चुका है। सिंपली यहाँ से इसको ऑन करेंगे, तो जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे जैसे आप डबल टैप करेंगे स्क्रीन पे, जैसे आपका स्क्रीन ऑफ रहता है, सिंपली जैसे डबल टैप करते हैं तो आपका यहाँ पे स्क्रीन ऑन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको यहाँ से बैक करके दिखा दूँ, जैसे मैंने स्क्रीन को ऑफ किया और जैसे मैंने यहाँ पे डबल टैप किया तो मेरा स्क्रीन यहाँ पे ऑन हो चुका है, और जैसे मैं डबल टैप करूँगा तो स्क्रीन यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। इसके आप यहाँ से देख सकते हैं, डबल टैप करती स्क्रीन ऑन है और डबल टैप करती स्क्रीन ऑफ हो चुका है। तो इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।